दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th हमने शहीदों को भी आज नमन किया है उनको श्रद्धांजलि दी है और हमने चाइना के प्रोडक्ट जो भी रख रहे हैं आने वाले टाइम पे हम ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना रख के अपने लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखें ताकि यहाँ के लोकल का जो भी है उनको थोड़ा बढ़ावा मिले और आगे उनकी भी प्रगति हो। बस हम तो यही चाहेंगे कि जितना भी उन्होंने किया चाइना वालों ने वो बहुत गलत किया है और आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम आगे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि जितना हो सके बहिष्कार करें चाइना के प्रोडक्ट्स का। विजय अलवानी, पिछले दिनों चाइना ने जो बहुत निंदनीय घटना घटित करी हमारे वीर सपूतों के साथ उसके विरोध में आज स्टेशन रोड व्यापारिक संघ आह्वान कर रहा है अपने व्यापारियों से कि चीन की किसी भी प्रकार की जो भी वस्तु आती है उसका हमें विरोध करना है। साथ में हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा, उनको श्रद्धांजलि देने के उपरांत हमने ये जो पोस्टर बनाया है हर दुकानों के ऊपर हम लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि चाइना को यदि मारना है तो उनको आर्थिक तौर पर ही मारना है। युद्ध में भी उनको मार सकते हैं लेकिन युद्ध की विभीषिका बड़ी खतरनाक होती है। तो चाइना आज कम से कम 40% अपना बिजनेस हिंदुस्तान से संभाल रहा है, अपनी आर्थिक व्यवस्था बड़ी करके बैठा हुआ है वो। तो सरकार यदि इसके ऊपर फैसला लेगी और अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वो कोई अच्छा डिसीजन ले जिन पर कम टैक्स हो और अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो एक ना एक दिन हम चाइना को बिल्कुल इस देश से विदा कर देंगे। स्टेशन रोड व्यापारी जो एसोसिएशन है उसमें कितनी दुकानें आती हैं, कितनी दुकानों पर आपने आज पर्चे किए? हमारे स्टेशन रोड व्यापारी एसोसिएशन में 82 दुकानें लेकिन कुछ इसमें होटल भी हैं जिसको हम इस तरीके की चीज़ें नहीं दे रहे हैं, बाकी हम बेहतर दुकानें हैं जहाँ पर ये हमारे पोस्टर लगाए जाएंगे। बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारी संघ अध्यक्ष। Thank you.